Kelpie. इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा फिर ईजी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन और एच फॉर इंथैल्पी। तो जैसा कि डेफिनेशन आपको हमने बताया था कि ये उल्टा है आयनाइजेशन इंथैल्पी का। देखिए आयनाइजेशन में क्या होता है, किसी एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी दो वो इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कि कोई भी एक एटम है आइसोलेटेड और गैसियस होना चाहिए। ये देखो एक्स है गैसियस है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ऐड किए। इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये x माइनस बन गया यानी एनायन बन गया। तो इस केस में जो होगा एनर्जी वो रिलीज करेगा, रिलीज मतलब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जैसे कि आयनाइजेशन में भी आपको पढ़ाया गया था फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन में भी फर्स्ट सेकेंड ऐसा थर्ड होता है। एक साथ दो तीन गेन आप नहीं करा सकते हैं, बारी बारी से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखना है कि जिसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका इंथैल्पी भी ज्यादा होगा, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन का उसका इंथैल्पी ज्यादा होगा। देखो यहां पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज हाई देन इलेक्ट्रॉन गेन यानी ईजी लिखते जाए क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी हायर। लाइक जैसे एग्जांपल देख लो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा ग्रुप 17 का होता है, तो ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शॉर्ट में लिखते हैं ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 यानी हाइलोजन इज हायर देखो ग्रुप 1 का भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, देता है, तो इसके लेने की टेंडेंसी कम है, तो इसका सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का डेफिनेशन लिख लें आप क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड के जगह रिलीज्ड लिखना, द एनर्जी रिलीज्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन या इन एडिंग भी लिख सकते हो, इन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बात देख करके लिख सकते हो, इट इज एक्सोथर्मिक सो डेल्टा ईजीएच इज निगेटिव। डेल्टा एच का साइन यहां पे क्या होगा, निगेटिव, याद रख सकते तुम, एक्सोथर्मिक के लिए ये निगेटिव होगा। देखो ये सब ज्ञान बहुत काम आता है, और इंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल इज हायर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल इज हायर यानी मोर निगेटिव, हायर मतलब मोर निगेटिव। तो बोला मैथ्स का रूल इसमें मत लगा देना कि निगेटिव है तो छोटा है तो गलत हो जाएगा, देन मेटल।
बोला क्यों? बिकॉज गेन करने की क्षमता किसमें होती है? नॉन मेटल में। यह वर्ड याद करो, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नॉन मेटल्स हैव, नॉन मेटल्स हैव ग्रेट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब इसमें आपको आएगा फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन फैक्टर है जो बढ़ाते या घटाते हैं? ठीक है, तो पहला फैक्टर वही है बच्चों जो सब में है, साइज। साइज अच्छा, इसको काय में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल, यहां लिख लो, भूल गया। इट इज मेजर्ड इन, सभी गेन एंथैल्पी को किलो जूल पर मोल में रखते हैं। इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, इसको भी हम लोग किलो जूल पर मोल में ही नापते हैं। ठीक है बच्चों, ओके अगला देखो। फैक्टर्स में है इसका पहला साइज है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, सेम टू सेम है जैसा आपने आयनाइजेशन में पढ़ा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां भी था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये तीन फैक्टर ही है इसमें। ओके शील्डिंग इफेक्ट का कुछ ज्यादा रोल इसमें नहीं है क्योंकि नॉन मेटल के लिए पढ़ा जाता है देखो। और नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में शील्डिंग वेल्डिंग ज्यादा नहीं होता, शील्डिंग डी और एफ ब्लॉक में होता है ज्यादा। ठीक है, और डी और एफ में कौन आता है? मेटल। मेटल कहां इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? मेटल तो यार उल्टा देने को रखता है, आयनाइजेशन होता है उसमें। ठीक है, तो पहला फैक्टर साइज है, तो साइज में सबका वेरिएशन एक जैसा, आप नोट कर लो जल्दी से। साइज और इलेक्ट्रॉन गेन का रिलेशन बिल्कुल आयनाइजेशन जैसा है, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि मेटल का कम होता है, तुमको बताया था ना मेटल का साइज क्या है, बड़ा है। तो आप इसको जल्द सीधा लिख लो, हम बताते भी हैं बच्चों को बार बार ये चीज कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा है? आयनाइजेशन के जैसा। तो 1/एटॉमिक साइज, मतलब अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा और वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, जस्ट उल्टा। इसलिए इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए। तो साइज जब बड़ा होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगा, कम रिलीज होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो कम रिलीज होगा। समझ में आया? दूसरा है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। देखिए जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा, क्योंकि तो जल्दी से वो ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर वही हुआ था ना, बड़ा साइज में, तो बड़ा आइटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब डालोगे तो फोर्स लेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लेस। जिसमें कम फोर्स तो कम एनर्जी। देखो एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ोगे फोर्स कम तो एनर्जी कम, तो लेस एनर्जी रिलीज। समझ गया ना? और अगर छोटा एटम लोगे तो फोर्स हाई होगा, फोर्स हाई होगा तो मोर एनर्जी रिलीज करेगा। ओके तो यहां पर अब सोच लो, तुम पढ़ तो लिए वहां पे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, देखिए न्यूक्लियर चार्ज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसका भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड और बीटल्स आर स्टेबल, सो दे हैव लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है, कम है, कम है। जैसे एग्जांपल देखो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का तुमने पढ़ा होगा हाफ फील होता है ग्रुप 15, ग्रुप 15 वाला हाफ फील होता है, याद होगा इसमें होता है 2p3 हाफ फील। इसमें जब तुम इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो डेल्टा एच है बच्चों वो पॉजिटिव आ गया। हाय रामा, निगेटिव आना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि स्टेबल है तो तुमको इलेक्ट्रॉन डालने में मेहनत करना पड़ेगा, उल्टा एनर्जी देना पड़ जाएगा, मतलब एनर्जी देना पड़ गया, एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया, रिलीज नहीं हुआ यहां, उल्टा काम हो गया, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरत नहीं थी, पहले से ठीक ठाक स्टेबल है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इसका पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये तीन फैक्टर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, नोट क्या है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो तो निगेटिव होता है, लेकिन दूसरी बार जब गेन करने जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों, ध्यान से समझना। देखो इधर जैसे ऑक्सीजन है मेरे पास, एक एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन में जब तुम पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ओ माइनस वन बनेगा और इसका हो जाएगा डेल्टा ई जी एच वन, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होता था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव है, -141.4 किलो जूल पर मोल। अच्छा ये पॉजिटिव में कितना, तो बता देंगे वैल्यू, ये पॉजिटिव में 31 किलो जूल पर मोल, तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी क्या हुई है बच्चों, रिलीज हुई है, अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरी बार आप डालने जाओगे तो सोचो इस पे माइनस है तो माइनस ऐड कर रहे हो, तो माइनस माइनस क्या होता है, रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा तो ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी देने के बजाय तुम्हारा ही एनर्जी घर से खर्च हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो ओ माइनस टू। अब जो डेल्टा ई जी एच टू लगेगा सेकेंड आयनाइजेशन वाला वो हो जाएगा +780 किलो जूल, मतलब हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड, तुमको ही बाहर से देना पड़ेगा। लो लग गई ना, क्यों, इसका कारण लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड आयनाइज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जनरली कहीं कहीं निगेटिव भी हो सकता है, जरूरत रहेगी तो खींच लेगा जबरदस्ती, लेकिन जनरली वो पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन बना के लिखेंगे, क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव, क्यों सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, बिकॉज आयन जो होता है निगेटिव आयन उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट काम है, मुश्किल काम है, तो अपने को एनर्जी उसमें खर्च हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप आंसर, हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से उसका आंसर,
देखो बिकॉज बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एड इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एड इलेक्ट्रॉन इन निगेटिव चार्ज आयन इन निगेटिव चार्ज आयन ड्यू टू रिपल्सन सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड इलेक्ट्रॉन सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड इलेक्ट्रॉन इसीलिए आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए और एनर्जी लगेगा ओके चलिए नोट कर लीजिए इतना ट्रेंड बोल सकते हो वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन या चेंज बोल सकते हैं तो बहुत आसान है जस्ट साइज का उल्टा का जिसको साइज पता है सब पता चल जाएगा तो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है हमको लगता है सबको याद होगा बढ़ता है कि ये घटेगा लेफ्ट टू राइट जाते समय ये साइज कम होता है तो ये बढ़ेगा क्लियर है ठीक है बच्चों तो चलिए इसी को नोट करते हम लोग तो पहला देख लेते इन ग्रुप ग्रुप में नॉन मेटल का कोई भी ग्रुप ले लो नॉन मेटल का मेटल नहीं नॉन मेटल का ले लो जैसे वो ले लो आप नेपाल पाकिस्तान तो इसमें ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा ठीक है तो आप लिख लो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन डिक्रीजेस को बोला क्यों तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज अब इसमें एक्सेप्शन है दो जगह तो पहला एक्सेप्शन है ग्रुप नंबर 16 में पहले 17 का पढ़ लेते हैं ग्रुप 17 में अगर साइज बढ़ने पे ये हो रहा है अगर साइज बढ़ने पे ये घट रहा है तो क्लोरीन का कम होना चाहिए बट क्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर निगेटिव ज्यादा मतलब मोर निगेटिव याद रखना घटने का मतलब ही निगेटिव का वैल्यू कम होगा देखना नहीं तो कोई माइनस से कंफ्यूज होता है मोर निगेटिव देन क्लोरीन ये वाई क्वेश्चन में आता है क्यों भाई ऐसा जबकि साइज तो छोटा इसका है साइज का उल्टा होना चाहिए तो साइज के हिसाब से फ्लोरीन का ज्यादा होना था तो जवाब क्या है कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और फ्लोरीन में तुम देखो 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में साइज छोटा है कि साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया इसके घर में ज्यादा बच्चे पैदा कर लिया उन्होंने झगड़ा कर रहे सब अपने में और एक बच्चा पैदा करने सोच रहा है डर ही लग रहा है बाबा मार्केट मचा देंगे सर तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देखना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एक वर्ड है इंटर मतलब आपस में इलेक्ट्रॉनिक का रिपल्सन इज हायर सो इट हैज लेस टेंडेंसी ये टेंडेंसी वाला डायलॉग याद कर जाओ लेस टेंडेंसी टू एड इलेक्ट्रॉन देन क्लोरीन मतलब क्लोरीन से इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की थोड़ी सी कम है क्योंकि
क्योंकि क्लोरीन का साइज ठीक ठाक है, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत छोटा है। छोटा होने की वजह से क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन में पहले से मारामारी चालू है, रिपल्सन। अब आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हो तो भाई डर रहा हो, थोड़ा क्षमता कम हो गई, थोड़ा सा हाथ कचक रहा है, नहीं 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 लेते नहीं लेते, तो क्लोरीन बाजी मार लिया। क्लोरीन मतलब बढ़ा नहीं है, ध्यान देना, क्लोरीन बढ़ा नहीं है, घटा क्लोरीन है, उम्मीद से क्लोरीन का इससे ज्यादा होना चाहिए था लेकिन थोड़ा कम हो गया। क्लोरीन तो अपने जगह पर है भाई, तुम्हारा मार्क्स कम आ गया, तुम पहले फर्स्ट आते थे, तुमने ध्यान नहीं दिया इंग्लिश में, इंग्लिश का मार्क कम हो गया, तुम सेकंड रैंक आ गए। तुम बोल रहे हो क्लोरीन ने मेहनत किया, अरे नहीं बेवकूफ, वो पहले जितना नंबर लाता उतना चलाया है, वो सेकंड रैंक लाइक लाया, तूने कम ला लिया तो वो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, तुम्हारी गलती का फायदा उसको मिला। वैसा यहां पर भी हुआ, क्लोरीन का घटा है, क्लोरीन का बढ़ा नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा था उल्टा घुमा के, क्लोरीन का ज्यादा क्यों, क्लोरीन जितना था उतना चला, फ्लोरीन का कम हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की क्षमता थोड़ी सी उसकी कम हो गई बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार बच्चों इन ग्रुप 16 में चले जाओ, सब ग्रुप में नहीं लगता, बस दो ही ग्रुप में, को बोला सब में क्यों नहीं लगता, क्योंकि इधर साइज बहुत छोटा है, इधर साइज थोड़ा ठीक ठाक है तो चल जाता उनका काम, लेकिन फ्लोरीन ये 16-17 का साइज सबसे छोटा है ना। सिमिलरली इन ग्रुप 16 में बताओ कौन किसका ज्यादा हो जाएगा, सल्फर का, मतलब तुम समझो कि सेकंड वालों का ज्यादा हो गया फर्स्ट वालों से। देखो तुम ऑर्डर भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है, आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन गेन का ऑर्डर बताओ, तो देखो आप ऐसे लिखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, साइज बढ़ा तो ये घटा, डिंग डिंग डिंग, और यहां पलटी मार देना, ये एक्सेप्शन है, देखो ये पलटी मार दिया, देखो क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा। सिमिलरली इन ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर निगेटिव, कारण हम नहीं बताएंगे, वही कारण छाप देना, मोर निगेटिव देन, किससे तुलना करोगे, नीचे वालों से, यानी सल्फर। एंड यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन गेन का ऑर्डर, ये ऑक्सीजन सल्फर ऊसा से तेपो है ना, देखो सीधा सीधा साइज बढ़ा तो ये घटना चाहिए, साइज बढ़ा तो घटना चाहिए, ये देखो घट रहा है डिक्रीजिंग, बट यहां पर आके ऐसा पलटी मार दो, यहां एक्सेप्शन। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सेप्शन आ जाते हैं हम लोग इसमें, इसको ही पढ़ना आपको, एक्सेप्शन ही पढ़ना है, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ने के लिए ट्रेंड भी पढ़ना पड़ेगा, भाई होता क्या है, उल्टा क्या हो गया, उल्टा तो तब बात समझ में आएगी जब क्या होता है पता हो, बराबर है कि नहीं। तो एक्सेप्शन अगला क्या है, तो वही आप जान रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ, ये सल्फर लिखा है भाई, एस फॉर सल्फर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव। अभी तो एक बच्चा बोल भी रहा था, तुमने सुना होगा कि भाई स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उल्टा तुमको ही देना पड़ जाएगा उसको, राइट। तो नेक्स्ट लिख लेते हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ गैसेस आर पॉजिटिव, क्या हटा दे, क्या डिस्टर्ब कर रहा है, नो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, सो दे हैव नो टेंडेंसी, सीधे नो लिख दो, वहां पर लेस लिख रहे थे, दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती ही नहीं है, हेंस दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज, सॉरी दे डू नॉट रिलीज एनर्जी,
इसीलिए वो लोग एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। चलिए तो इतनी सारी बातें आपको ग्रुप में समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते बच्चों पीरियड की बात कर लेते हैं हम लोग। पीरियड की बात कर लें बिटा दें। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, बराबर है। तो लेफ्ट में क्या है, मेटल है, और राइट में क्या है, नॉन मेटल। और हमने बताया कि नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, हाई होता है, यानी इधर बढ़ेगा, कॉमन सेंस से अगर बोला जाए। अब साइज पे सोच लो, इधर जाने पे साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगा। जैसे भी आपको लॉजिक पसंद है आप उसको दिमाग में फिट करें। चलिए तो कोई भी एक ग्रुप पकड़ लो। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, तो बढ़ने का मतलब मोर निगेटिव, ये ध्यान रखना। इधर सीधा जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज, इंक्रीज मतलब मोर निगेटिव। अब देखो टेंथ में बच्चे बोलते थे कि नोबल गैस क्यों नहीं लिखे, अब तुम समझ सकते हो नोबल गैस यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि नोबल गैस का क्या है, पॉजिटिव है, वहां पर लोग नहीं बताते इतना सारा, ठीक है। ओके तो ये कहानी हो गई। अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थोड़ी निकालते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी निकालते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो ना बच्चे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन में कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा सिमिलरिटी है इसी वजह से। तो एक तो नाम जैसा सेम है इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसके में और उसमें अंतर है, वो एनर्जी है, वो किलो जूल में नापेगा, ये एनर्जी पे एनर्जी नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, क्षमता है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की। देखना समझना ध्यान से, होता क्या बच्चों की जब भी दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि कोवेलेंट बॉन्ड में होगा, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात कि जहां पर बॉन्ड होगा वहीं पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाप सकते, तो बिना बॉन्ड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं नाप सकते। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो बॉन्ड बना हुआ है एच और सीएल के बीच शेयरिंग करके एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड मतलब बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट, आयनिक नहीं, क्योंकि आयनिक में ऐसा होता ही नहीं है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब होता क्या है बच्चों कि क्लोरीन का साइज छोटा है, ध्यान से समझना, इधर जाने पे साइज घटता है तुमको ही पता है, तो क्लोरीन का साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा होगा, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसका न्यूक्लियस बहुत पास में होगा, होगा ना। देखो ये एक बड़ा एटम है, ध्यान समझना, एक बड़ा एटम और एक छोटा एटम शेयरिंग किया तुमने, यहां पर इलेक्ट्रॉन है दोनों, दोनों का शेयर वाला, किसका न्यूक्लियस पास में है बताओ, इस इलेक्ट्रॉन से किसका न्यूक्लियस पास में, इलेक्ट्रॉन के छोटे वाले के, तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन का प्रेम करता है उससे, वो तो खींच ही लेगा, तो वो क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करके अपने अंदर घुसेरने की कोशिश करने लगेगा। तो ये वाली क्षमता और इसके पहले जो पड़े उसमें अंतर है, उसमें क्या होता था पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते थे, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन में बॉन्ड बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है, एक एटम की चेक होती है, यहां पर बॉन्ड की चेक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा बॉन्ड की बात की जाती है, कोई अकेले नहीं बोल सकता क्लोरीन का हाई है, किससे हाई है भाई, क्लोरीन का कम भी हो सकता है, अगर फ्लोरीन आया इसका बाप तो फ्लोरीन इससे ताकतवर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन में ऐसा नहीं, आपको पढ़ा दिया गया कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन किसका है, क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट, तो होना चाहिए तो फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन हो गया तो है, चाहे किसी से शेयर करे नहीं करे, बॉन्ड बनाए नहीं बनाए, है भाई हाईएस्ट, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसा याद नहीं कर सकते कि इसका हाईएस्ट है, वो कम भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, क्यों सब शेयर पे सवा शेयर होता है, सवा शेयर के ऊपर बब्बर शेयर, तो इस तरह से भाई
जो ज्यादा पावरफुल वो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, पावरफुल साइज से डिसाइड होगा। तो क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल फ्लोरीन है, फ्लोरीन से ज्यादा तो कोई नहीं है, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन अगर आपस में बॉन्ड बनाए, मान लो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से बनाए, तो कौन किसका खींचेगा? कोई किसका नहीं खींचेगा, क्योंकि दोनों को खींचने की क्षमता क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट बॉन्ड की। क्या होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर आपने शेयरिंग एक छोटे एटम से कर लिया गलती से, तो क्या करेगा? आपके शेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके अपना प्रभाव बना देगा उस पे। देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच देगा, एरो से दिखाया जाता है, मतलब इसके तरफ थोड़ा चला गया। शेयरिंग का मतलब क्या होना चाहिए? पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। लेकिन अब उसके पास ज्यादा चला जाएगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसपे थोड़ा सा, पूरा तो नहीं गया है, पूरा इसके अंदर नहीं घुसा है, पूरा इसके अंदर नहीं घुसा है, थोड़ा सा इस पे निगेटिव आ गया और थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, पार्शियल निगेटिव पढ़ते इसको। इसको क्या पढ़ते हम लोग? पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्यों पार्शियल? थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया, और इसी आदत को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? तुम पढ़ोगे बचपन में, अंत में BITY लिखा है तो प्रॉपर्टी बोलते थे, डेफिनेशन याद करो टेंथ में, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। तो इसका डेफिनेशन में पहला वर्ड आएगा द प्रॉपर्टी, और देखो इनके डेफिनेशन में है द एनर्जी। अंतर देखो, वो एनर्जी है और ये प्रॉपर्टी है। वर्ड को फील करो, वर्ड का ही खेला होता है दुनिया में। तो क्या डेफिनेशन है? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट, एक्चुअली नॉन मेटल का होता है, मेटल में नहीं होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल भी लिख सकते हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आदत किसमें है? नॉन मेटल, पहली बात। दूसरी बात, कोवेलेंट बॉन्ड हम बोले तो नॉन मेटल, टेंथ पास होना, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता बताओ? नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? मेटल। तो मेटल का तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें आएगा भाई। तो ऐसा लिख सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप कर ले। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। क्लियर हो गया? तो लिख लिया जाए द प्रॉपर्टी या टेंडेंसी भी कोई बोल सकता है ऑफ नॉन मेटल। देखो ये नॉन मेटल ये काली कांड करता है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड towards itself, is called electronegativity। ठीक है, अट्रैक्ट करने से पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने से बच्चों जो अट्रैक्ट करेगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। हेंस द एलिमेंट विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज। ऐसा डेल प्लस लिखते हैं, साइन का मतलब तो डेल होता है, एंड अदर एक्वायर मतलब पाना, पार्शियल शॉर्ट में लिख दें डेल प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लियर हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड होना था, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब
ऐसे कंपाउंड को इन्होंने आइडेंटिफाई करना चालू किया जहां पे ये हो सकता है कांड। हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तो नहीं हो सकता, चाहे दोनों पावरफुल क्यों नहीं हो, दोनों ताकतवर में बॉन्ड बने तो कोई किसी का खींच सकता कि नहीं, जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ये भी लगा देगा। तो ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड बोला गया और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला गया। कहां कहां हो सकता है देखो बता दे रहे, ऐसे HF में हो जाएगा, एरो बनाते जाते हैं, एरो बनाते जाते हैं, समझ गया ये खींच रहा है जिस जो खींच रहा है। H2O में हो जाएगा, H2O में भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि HOH कौन खींच के, ये O खींच के लेके चल देगा। NH3 में हो जाएगा, H पे पार्शियल पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। H2S में हो जाएगा, समझ रहा होगा, तुमको लग रहा सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। OF2 में भी हो जाएगा, सबसे पावरफुल फ्लोरीन होता है खींचने में, क्यों, सबसे छोटा साइज है। याद करो, याद करो, कुछ याद करो जो लौट के घर ना आए वाली बात। तो ये कारण क्या है, कारण मेन कारण सुनो, कहां गए कारण, मैंने लिखे देगा साइज, मेन कारण साइज छोटा होना, ये छोटा है इसी वजह से इसका न्यूक्लियस पास में तो खींच ले रहा। सबसे छोटा कौन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, फ्लोरीन। ओहो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मेन कारण साइज है। चलो तुमको हम एक बात बता देते, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तुमको रैंक बता देते इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक। सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन देखो, उसके बाद दो नंबर पे आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा क्लोरीन। ये रैंक है आपका, समझ रहा, सब टॉप वाले देख लो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, छोटे छोटे होते हैं इसीलिए। तो अगर इनके साथ कोई दूसरा बॉन्ड बनाया, तो ध्यान से समझना, इनके साथ कोई दूसरा अगर बॉन्ड बनाया तो उनका ये इलेक्ट्रॉन खा जाएंगे, मतलब खींच लेंगे, खाएंगे नहीं। बट शेर पे सवा शेर कौन है, फ्लोरीन। तो यहां देखो स्थिति, देखो कैसे शेर भी चूहा बना है। यहां देखो, यहां ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के खींच के माइनस किया, यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहां पर तो ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, सॉरी फ्लोरीन ज्यादा हो गया, बराबर है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्लियर है। तो ऐसे बॉन्ड का नाम रखा गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में दो टाइप हो गया, पोलर नॉन पोलर। क्या हो गया, पोलर भाई। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड में एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक लेस, तो एक में प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे बॉन्ड का नाम पोलर रखा गया। और नॉन पोलर किसको बोला गया, जिसमें चार्ज नहीं आया हो। चार्ज किसमें नहीं आएगा, दोनों सेम सेम रहे, H2O2 Cl2 Br2 सेम सेम लो। तो अब इसके बाद इधर हम लोग को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक नाम बताते हैं हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो मान लो H है और फ्लोरीन है, तो कौन खींच लिया, फ्लोरीन खींच लिया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, इस पे प्लस आ गया, देन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। तो व्हाट इज पोलर बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, किससे हाई, इससे हाई भाई, कोई जरूरी नहीं सबसे हाई हो, कोई जरूरी नहीं है सबसे हाई हो, देखो सभी में इससे हाई, इससे उससे हाई होना चाहिए बस। तो व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, टू डिफरेंट फॉर्म बिटवीन TW होना चाहिए, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, देन टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसा टू एलिमेंट्स ऑफ
डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन दे एक्वायर देन दे गेट भी लिख सकते हैं एक्वायर की जगह पर पार्शियल चार्जेस। तब उसमें पार्शियल चार्ज आ जाएगा राइट। देन दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नोट कर लिया ना आपने मिटा दे इसको इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड। और उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे पोलर कंपाउंड ठीक है। थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी शॉर्ट में। तो कौन पोलर है जितने भी कंपाउंड तुम अलग अलग लोगों के बीच बना हुआ देखोगे ये सब लिख दिया ना हम यहाँ पे। एग्जाम्पल कोई पूछे तो वो तो ढेर सारा भर मार कर दिया है हमने एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई ये सब पोलर एन एच थ्री एच टू ओ एच टू एस डॉट बहुत सारे लगभग सारे अलग अलग लोग पोलर ही होते लगभग क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन एक कम होता है एक ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ठीक है। तो कहां से बात कहां चली गई देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम लोग पोलर से होते हुए कहां कहां चले गए। तो अब दूसरा नाम आएगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर किसको बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड या बॉन्ड जो भी बोलो। तो जब चार्ज नहीं आए कब चार्ज नहीं आएगा जब दोनों के दोनों सेम रहेंगे सेम पावरफुल F2 भी ले सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट और है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे इसको फिर पढ़ेंगे अच्छे से बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। नॉन पोलर में अलग वाले भी आते हैं लेकिन उसमें तुमको अभी नहीं समझेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैज नो यूनिट। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट यूनिट नहीं होता यार मतलब कोई ऐसा यूनिट जैसे किलो जूल फॉर्मूला ये सब कहां से हो सकता है ये तो प्रॉपर्टी है ना ये तो गुण है। अगला इलेक्ट्रो निगेटिविटी इज मेजर्ड बाई पॉली स्केल। एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्केल बनाया था उससे नापते लोग ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पॉली स्केल पॉली स्केल के अनुसार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को चाई से दिखाते हैं ऐसे चाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सिंबल का नाम क्या है चाई। एक्चुअली एक्स जैसा नहीं बनता है इसके बनाने का तरीका भी अलग है आप बुक में देखना ऐसा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंबल है। तो चाई ऑफ फ्लोरीन यह है फोर कोई यूनिट नहीं है 4.0 मैक्सिमम ध्यान से देख लो हम सबका बता दे रहे हैं। चाई ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है 3.5 चाई ऑफ क्लोरीन और चाई ऑफ नाइट्रोजन इक्वल है बट इसका साइज छोटा है इसीलिए नाइट्रोजन को हम लोग आगे लिखे थे ठीक है ऐसे करके दिया है। ज्यादा से ज्यादा कितना होता है चार चार से ज्यादा किसी का नहीं होता है ठीक है याद रखो याद नहीं रखना है मतलब ऐसे ही बता दिए। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कैसे कैसे कम ज्यादा होता है तो फैक्टर क्या है तुम समझ ही रहोगे। पहला फैक्टर भाई तो साइज सब में है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइज एंड स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव लार्ज साइज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां पर लिख रहे हैं ठीक है जो मेन कॉज है एकदम बोल सकते तुम मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज क्या है मेन कॉज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया मैं तुमको होता क्या है कि छोटा होने की वजह से क्या करता है कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाते हैं समझ आ रहा दो लोग शेयरिंग करके मान लो दो दोस्त है उन्होंने पार्टनरशिप में दुकान खोला अब जो दुकान था वो एक पार्टनर के घर के बगल में ही है तो जैसे वो घर जाएगा तो रात में वो चाप लेगा उधर से बराबर की नहीं क्योंकि उसे बगल में पास में वैसा यहां पर भी हो रहा है भाई इसके पास में पड़ रहा है साइज छोटा होने की वजह से तो मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो समझ ही क्या होगा तुमको स्मॉल साइज जब रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लियर हो गया होगा बच्चों इसीलिए सो स्मॉलेस्ट साइज किसका है बताइए फ्लोरीन का हेंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको तुम समझ सकते हो देखो हर ग्रुप में तुमको पढ़ाया गया है कि ऊपर से नीचे आते समय साइज बढ़ता है यानी सबसे छोटा ऊपर वाले लोग हैं इसीलिए सब ऊपर वालों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है देखो फ्लोरीन का ज्यादा इस गैंग में ऑक्सीजन का ज्यादा इस गैंग में नाइट्रोजन का इसमें फ्लोरीन का इसमें मैम कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं अगर तुम ध्यान से लिटरल पढ़ो तो ओके चलिए इसको साइड कर दिया जाए ठीक है स्मॉलेस्ट साइज फ्लोरीन का है इसीलिए अब एक सवाल आता है बच्चों एक बहुत कॉमन सा सवाल बच्चों से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए देखो सवाल क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन किसका हाईएस्ट था क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट किसका है फ्लोरीन अबे माजरा समझ में नहीं आ रहा जब लेने की इलेक्ट्रॉन बारी आई तो क्लोरीन उचक के ले लिया और खींचने की बारी आई तो क्लोरीन खींच लिया भाई ये लॉजिक क्या है क्या जवाब है बहुत सिंपल जवाब है तुम डेफिनेशन पे बस रहो बार बार बोले तुमको कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट तुमको कंफ्यूजन हो इस चैप्टर के तो डेफिनेशन पे जाएं क्या डेफिनेशन था इसका एनर्जी रिलीज करना क्या करके इलेक्ट्रॉन ऐड करके यानी इसमें अंदर लेने की बात है और इसमें खींचने की बात है लेना नहीं अंदर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या करता है वो खींच के अपने ऑर्बिट में नहीं बढ़ाता है प्रॉब्लम तो उसके ऑर्बिट में डालने की वजह से चालू होगा ना फ्लोरीन के हमने क्या बताया फ्लोरीन छोटा है उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हाई हो जाएगा इसीलिए अपने ऑर्बिट में ऐड नहीं करता है इसीलिए क्लोरीन आगे हो गया तो भाई अभी ऐड कहां कर रहा है वो अभी भी तो नहीं कर रहा अब बस वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और वो अट्रैक्शन उसके छोटे साइज की वजह से है उसका न्यूक्लियस पास में पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ला रहा है अपने ऑर्बिट में शामिल नहीं कर रहा अभी भी वो क्लियर है तो अट्रैक्ट यहां पर कर रहा है यहां पर ऐड करने की बात थी तो ऐड में तो भाई वो पीछे हो जाएगा क्योंकि वो अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन अपने अंदर ले नहीं सकता हो और वहां पे ऐड करके एनर्जी रिलीज करना था तो क्लोरीन आगे हो गया क्लियर हो गया आपको इसमें बच्चे क्या होता है मिसकंसेप्शन होता है कि सर वो आपने वहां बोल दिया कि क्लोरीन हाईएस्ट है वो ऐड जल्दी कर लेगा क्लोरीन नहीं करता रिपल्सन फिर यहां बोल रहे फ्लोरीन सबसे जल्दी खींच लेता है अरे यार बोले दोनों बिल्कुल अलग है तुम कंफ्यूज हो रहे हो एक साथ सोच के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफरेंट थिंग वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ऐड करो जो एनर्जी निकलेगा फ्लोरीन नहीं ऐड करेगा छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है बस अपने ऑर्बिट में ऐड नहीं करना बस अपनी तरफ खींच लेना है
और उसमें माइर है फ्लोरीन छोटे साइज होने के वजह से, क्लियर है? दोनों में छोटा साइज ही जिम्मेदार है, सोचो, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, इतनी बातें आपको समझ गई होगी, यहां पे एक थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोबल गैस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होगी, बताइए, सोच के बताइए, नोबल गैस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होगा? जीरो, वेरी गुड, जीरो। उधर से एक मोटा भाई जरा कर रहा हूं, जीरो, क्योंकि डेफिनेशन पे आओ, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को खींचना है, भाई ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की बात कहां से आ गई, तो जीरो, ठीक है? कुछ लोग सोचेगा पॉजिटिव होगा वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहां पे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे और एनर्जी लेने की बात चल रही, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, यहां पर बॉन्ड बना होगा तो खींचने की क्षमता, तो बॉन्ड तो बना ही नहीं है वहां, नो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा फैक्टर है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज मतलब तुमको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, वो वहां किया हुआ कहानी, क्या लिखा भी हमने, मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई तो वो हाई क्या हाई रे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, इसी वजह से पीरियड में जाने पे वो हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, देखो इधर जाने बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है, इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज हाई जब होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीसरा फैक्टर है बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ आयन, ध्यान सुनेंगे, आप खुद सोच के बताइए कि मेरे पास Na है और Na प्लस वन, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सोचो सोचो सोचो, कभी ऐसा हो तो क्या हो, बताइए कौन जल्दी खींच लेगा, ऑब्वियसली Na प्लस वन, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगा, जैसे इसका 1.0 है तो इसका 2.0 है, तो कटायन का हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, भाई प्लस है तो माइनस को खींच लेगा ना, और माइनस में उल्टा कर लेना, ठीक है, कटायन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, हाँ इधर का नोट कर लिए ना, और एनायन का कम, क्यों माइनस है तो जल्दी लेगा नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनायन इज लेस, जैसे सीएल है और सीएल माइनस है तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्लियर है? ओके, जैसे आप फ्लोरीन का देखो, एफ माइनस का 0.7 है, तेरी बहुत कम हो गया है, और एफ का सीधे 4 है, दिख रहा है बहुत अंतर है। चौथा फैक्टर है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वैलेंसी बताया था हमने, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, हाई ऑक्स नंबर, वैल नंबर हो गया, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे आपके पास Fe प्लस टू है और Fe प्लस थ्री है, किसका ज्यादा होगा, Fe प्लस थ्री का ज्यादा होगा, ठीक है? नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सब बाद में पढ़ना है हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में, इसको आप मत समझना तो भी चलता है, हाइब्रिडाइजेशन,
तो हाइब्रिडाइजेशन तीन प्रकार का है, एसपी एसपी टू एसपी थ्री। इसमें देखा जाता है एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा है उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा। तो आप सोचो कोई भी चीज 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है ना, तो दो पार्ट करो एसपी यानी दो पार्ट, तो एस कैरेक्टर कितना परसेंट होगा 50, तीन पार्ट करो तो कितना परसेंट होगा 33, और चार पार्ट करो तो 25%। एस कैरेक्टर डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप सुने तो हो नाम एसपी, सुने हो ना, ऑर्बिटल होता है कॉन्फिगरेशन, वही है ये। चलिए तो ये पांच फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एसपी टू लेस। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों इससे क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, वेरिएशन भी पढ़ लेते, सॉरी पहले वेरिएशन पढ़ लेते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एकदम सॉलिड काम है इसका, नो एक्सेप्शन, कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। मतलब बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है, इसमें कुछ बात दो राय नहीं है, यानी कि वो कुचक के ज्यादा हो गया। तो इन ग्रुप, अगर ग्रुप में बात करो, साइज पे सोचो, साइज का उल्टा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें सोचो आप। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है बच्चों बताओ, साइज इंक्रीज, बच्चा बच्चा को याद हो गया होगा। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। फ्लोरीन का मैक्सिमम है, ऊपर वाले का ज्यादा होता है। अगर बात करो इन पीरियड, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर से इधर जाते समय साइज क्या होता है बताइए, साइज होता है डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज। क्लोरीन का ज्यादा, चलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है, ठीक है। चलिए वेरिएशन पढ़ लिया, अब इसका पढ़ते हैं फायदा, एप्लीकेशन, बहुत इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल में तुमको पढ़ा दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर बना देता है, ये समझ में आ रहा है ना, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज तो होता नहीं, तो पर शेयरिंग से बनता है, लेकिन उस इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई कोई कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज आ जाता है। जब वो चार्ज जाएगा तो आयनिक जैसा बिहेव करने लगेगा, पानी में घुलने लगेगा। तुम टेंथ में पढ़े होगे कोवेलेंट बॉन्ड पानी में नहीं घुलता है, पढ़े हो ना, कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलता है, आयनिक घुलता है, क्योंकि उस पर चार्ज है। तो कोवेलेंट वाला भी कोई कोई घुल जाता है, क्यों, पोलर नेचर होने की वजह से। चलिए देखते हैं, आप ये नोट कर लिए। चलो तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पहला नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड या कंपाउंड डिसाइड होगा इससे। तो अगर बॉन्ड तो दो प्रकार का हमने बताया अभी, कंपाउंड होगा पोलर कंपाउंड, बता ही दिया हमने तो ये, और दूसरा होगा नॉन पोलर। पोलर मतलब अगर बॉन्ड एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच बन गया, तो ये हो गया हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव। और ये हो गया लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि मान लो एक एटम ए है एक एटम बी, अब चाई ऑफ ए माइनस चाई ऑफ बी, चाई मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हमने ए और बी का डिफरेंस लिया, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। अगर डिफरेंस निकाले माइनस किए, अगर वो जीरो नहीं आया तो क्या होगा बताओ, पोलर। जीरो नहीं आया तो क्या होगा, पोलर, मतलब कि एक ज्यादा है और एक कम है, समझ रहा होगा ना। मान लो ये 4.0 है और ये 1.0 है, तो जीरो नहीं आएगा ना भाई, ये हाई है ये लो है, इधर चार्ज भाग जाएगा, ठीक है। इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल
पॉजिटिव, उसी तरह इसमें भी। और अगर अगर चाई ऑफ ए माइनस चाई ऑफ बी इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉन पोलर, मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो आ गया। तो आपका अब जीरो आ गया जब दोनों सेम सेम है। देखो दोनों सेम सेम है, मान लो बॉन्ड बना है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, इसका चाई माइनस इसका चाय, चाय माइनस चाय, फोर माइनस फोर कितना जीरो, ये नॉन पोलर है F2। तो नॉन पोलर में अभी आप समझो कि दो सेम लोगों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। तो पोलर जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है इससे डिफाइन करेंगे, ठीक है। वैसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो पोलर, नहीं है तो नॉन पोलर, क्लियर। दूसरा फैक्टर है बच्चों बॉन्ड लेंथ। तो तुम खुद सोचो जब पोलर होने पे चार्ज आता है, अगर दो बॉन्ड पोलर होगा तो उस पर चार्ज आएगा, इस पे ज्यादा माइनस इस पे ज्यादा प्लस, चार्ज आने से अट्रैक्शन इन दोनों में बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ को क्या होगा, सोच के बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों, बॉन्ड की लंबाई। बॉन्ड लेंथ कम होगा ना फिर बढ़ेगा, इसमें ज्यादा फोर्स तो कम होगा ना, हाँ बराबर बराबर। तो अगर इफ डिफरेंस, बार बार डिफरेंस की बात की जाती है, ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज हाई, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हाई है देन बॉन्ड लेंथ इज लेस, फोर्स बढ़ने से, क्लियर है ना। तीसरा फैक्टर है हाइड्रोलिसिस, पानी में घुलना। तुमने पढ़ा होगा कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलता है, नहीं कुछ कोवेलेंट कंपाउंड पानी में घुल जाता है, सम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिजॉल्व इन वाटर, कुछ पोलर कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, क्यों, ड्यू टू पोलर नेचर। पोलर बोलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो ही गया ना, पोलर नेचर के वजह से, ठीक है। अच्छा अगला पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मोर स्टेबल बॉन्ड, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देन मोर स्टेबल बॉन्ड, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर होगा उतना ज्यादा स्टेबल। जैसे एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, इसमें ज्यादा स्टेबल ये होगा, देखना स्टेबल ज्यादा ये है, छोटा भी है ये, मजबूत भी है ये, तो छोटा है जो बॉन्ड छोटा होगा वो मजबूत होगा, स्टेबल होगा, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी हाई दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सब इसमें खास बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट ये सब होने लगेगा इसका, कहां से कहां कनेक्शन जोड़ लिया इन्होंने, समझ रहा है।
नेक्स्ट बच्चा बच्चों नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन किसके पास होगा? नॉन मेटल के पास। यानी नॉन मेटल जितना अच्छा उसका पहचान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से होगा। सबसे अच्छा नॉन मेटल फ्लोरीन। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। समझ रहा है? दैट इज फ्लोरीन इज बेस्ट नॉन मेटल। फ्लोरीन सबसे अच्छा नॉन मेटल है। ठीक है ओके। क्यों है भाई? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। बच्चों क्लियर हो गया? इसका डेफिनेशन हमने नहीं लिखा, आप लिख लेना। पोलर किसको बोलेंगे? जिसका डिफरेंस जीरो नहीं है। लिखा है वापस आपने डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दोनों एटम जिसके बॉन्ड बना उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को माइनस करो, अगर जीरो नहीं आया तो पोलर। अच्छी बात है। नहीं तो फिर वो लंबा वाला हमने लिखा था वो भी चलता है। उसमें हमने क्या किया है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन घुसा दिए है ना। ओके और अगर जीरो आ गया तो नॉन पोलर। अब ये और फैक्टर है बच्चों, नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। यानी जिसका इधर मिटा के लिखे गया ऊपर हो गया। नेचर ऑफ ऑक्साइड सब लोग जान रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। वो दिन उल्टा हो गया था थोड़ा, आप सही कर लीजिएगा। मेटल ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। बस इतनी बातें ध्यान रखना। इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो एसिड का पावर बढ़ेगा। रावण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सबसे बढ़िया ठीक है। जैसे देखिए Na2O है सोडियम ऑक्साइड, फिर MgO है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर अगला Al2O3 है, फिर SiO2 है, फिर P2O5 SO2 Cl2O। देखिए तो ये है बेसिक, ये भी है बेसिक, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर ये एम्फोट्रिक, सुने होगे ना? एम्फोट्रिक मतलब जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। और ये है वीक एसिड, ये भी है वीक एसिड या एसिडिक लिखो बस। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ताकतवर। क्लियर है? तो तुम देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही तो एसिड का पावर भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों? तो आप एक होमवर्क नोट कर लीजिए यहां पर, राइट डिफरेंस बिटवीन, जो कंफ्यूजन था उसमें डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बहुत सारी बातें हैं, जैसे इसका यूनिट लिखना, इसका कोई यूनिट नहीं है। फिर इसको ये एक आइटम का निकाला जाता है, ये बॉन्ड का निकाला जाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ये कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लिखना डिफरेंस। ठीक है होमवर्क नोट कर लें इसको। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैलेंसी, जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। ये नोट कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रफली तुम समझो वैलेंसी, बट एक्चुअली ये वैलेंसी नहीं है। एक्चुअली होता क्या हम तुमको बता दे रहे हैं, थोड़ा समझना। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या शेयर कर सकता है। सीधी बात, नो बकवास, लिख लो इस बात को। यही डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट का।
कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, वो क्षमता को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ये कभी भी वैलेंसी के इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब तुम ऐसा बोलो कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे तुमको पढ़ाया गया होगा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हम बोलेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी है, 3 भी है 5 भी है, बट 5 वैलेंसी तो नहीं है ना भाई, समझ में आ गया। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 2, 3, 5, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो लिख के पढ़ते हैं, देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3, 5, 7 तुम पढ़ोगे फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, मतलब जो वैलेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कोई जरूरी नहीं कि वैलेंसी होगा। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या एक्चुअली, तो वो एक एबिलिटी है एलिमेंट की कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या शेयर कर सकता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और तुमसे कोई पूछ ले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैस, ऑब्वियसली 0, ठीक है 0 हो जाता है, ओके अच्छी बात है। लेकिन मेटल का तुम देखे हो, देखो मेटल में अच्छा है, मेटल का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, क्यों, क्योंकि मेटल 1 देगा 2 नहीं दे सकता। मतलब तुमको बता रहा, देखो ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2, डी और ए ब्लॉक वालों का बदलता है, याद करो ट्रांजिशन बोले थे इनको हमने, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है लेकिन ज्यादातर 2 या 3 होता है, मोस्टली 2 या 3 बट चेंज होता है, नॉट श्योर। तुम देखो आयरन का 2 है 3 है, बहुत सारे लोगों का 2 या 3 है मोस्टली, बट इट इज नॉट 100% ट्रू, 2 या 3 के अलावा भी चेंज होके 1 भी हो जाता है, मैंगनीज का तो 7 तक होता है बढ़ते बढ़ते, ठीक है। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक पर एक बहुत कॉमन ट्रिक बताते हैं कि इसका वैलेंसी से लेकर के, तो इसका वैलेंसी से लेकर के जहां तक लास्ट इलेक्ट्रॉन है 13 है, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 1, 3 तो 1, 3 फील करना, 14 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2, 4 शायद समझ रहा हो, 2, 4 देखते हैं किसको समझ रहा है, 15 है तो 15 है तो होगा आपको 15, 16, 17, 18 3, 5 16 है तो 2, 4, 6 17 है तो 1, 3, 5, 7 बताओ किसको समझ गया आइडिया, नहीं समझा चलो बता दे, इनकी वैलेंसी याद करो, वैलेंसी से बढ़ के वहां तक जा सकते हो, जैसे इसकी वैलेंसी कितनी है 3, ये लोग 3 बनाते हैं, कोई कोई 1 बना लेता है, इनका क्या है 4, ज्यादातर लोग का 4 है, कोई कोई 2 भी बनाते हैं, इसका 15 है तो 15 वालों का वैलेंसी 3, तो 3 और फिर 2 बनाना, 1 नहीं बढ़ता है, 3 के बाद 5, इसका वैलेंसी कितनी होती है 2, 16 में 2 था ना ऑक्सीजन का, तो 2 से 2 बढ़ाओ कितना होगा 4, फिर 2 और बढ़ाओ 6, यहां तक जाना चाहिए 6 तक, फिर 17, 17 का वैलेंसी कितना है 1, 2 2 बढ़ाओ 3, 5, 7 यह है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बराबर Cl 7-7 बॉन्ड बनाता है, बनाता भी, ठीक है अभी आपको दिखाएंगे, फास्फोरस भी बनाते 5 बॉन्ड। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो तुम बोल सकते हो एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू लॉस गेन और शेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपको हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट सब ग्रुप का हम लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1 का 1 है, ग्रुप 1 का 1 है, मतलब इनमें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम डॉट 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 सबका। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही है, प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हो तुम, प्लस साइन भी बताता है, प्लस मतलब लॉस माइनस मतलब गेन। एस ब्लॉक एलिमेंट ऐसा पढ़ते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी इक्वल है। अगर आप बात करो ग्रुप 1 की, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों 1, ग्रुप नंबर 2 वालों का बैल नंबर कितना है 2,
ऑक्सीडेशन नंबर यार, वैलेंसी भी तो दो था, प्लस भी लगा सकते हो। दूसरा बात करें आप डी एंड एफ ब्लॉक, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, बदलता है, चेंज होता है, बट जनरली, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर होता है दो या तीन होता है। पी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर 1 to 8 होता है, 1 से 8 तक, ठीक है, समझना इस बात को ध्यान के। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता। देखो ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, तो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। 18 में 8 है तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। 16 में 6 है तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो देखो अगर बात करें ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 का 3 है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर बात करो ग्रुप 14 की, तो 14 में ज्यादातर लोगों की बात हम कर रहे हैं 4 है। ग्रुप 15 की बात करो तो यहां पर आपको दिखेगा 3 और 5, 3 और 5 दिख रहा है, 15 5 से ज्यादा नहीं। ग्रुप 16 का वैलेंसी कितना होता है, 2 2 2 बढ़ाओ 2 4 6। ग्रुप 17 का बच्चों 1 3 5 7। ग्रुप 18 का बच्चों हीलियम को छोड़ के 2 4 6 8, 2 2 बढ़ेगा, ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। तो अब वेरिएशन की बात कर लिया जाए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं ठहरेगा। एक ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, सेम। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है। पीरियड में देखो, इन पीरियड, पीरियड में दिख रहा है बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। अभी तुमको दिखाया ना हमने, 10 बार बताते रहे, अभी बात इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 3 और 5, इसके बाद 2 4 6 1 3 7, 2 4 6 8 लिख लो, यानी इधर से जाने पे बढ़ता है, बस ऑक्सीडेशन नंबर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डायगोनल रिलेशनशिप, क्या पढ़ना है, डायगोनल रिलेशनशिप एनोमेलस बिहेवियर, ये क्या होता है सुनेंगे, थोड़ा सुन ले। जो ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप पीरियड, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पीरियड 2 के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये लोग, इनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप वाले बाकी एलिमेंट से थोड़ा अलग होता, थोड़ा। जैसे तुम एक चीज गौर कियोगे कि इसमें सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की बात हमेशा होती है, लिथियम की नहीं होती। रिएक्टिविटी में कभी सुने हो तुम लिथियम हाई रिएक्टिव? नो। क्यों भाई, वो तो उसी गैंग में है, तो भाई ऐसा होता है। यानी टॉप वाले का, बस ये सेकेंड ग्रुप वाले का प्रॉपर्टी नीचे वाले से थोड़ा। अब तुम देखना मैग्नीशियम कैल्शियम की बात होती है अक्सर रिएक्शन फेक्शन में, बेरियम की बात कहीं नहीं होती है, बेरिलियम की। तुम देखो ध्यान करो, बचपन से पढ़े हो, कैल्शियम का पढ़ोगे, मैग्नीशियम का पढ़ोगे रिएक्शन, कहीं कहीं बीए का भी पढ़ लियोगे, लेकिन इसका पढ़े थे क्या? क्यों भाई, वैसा नाटक है इसका। उस तरह यहां पर भी देखो इन लोगों का नौटंकी, इन लोगों से अलग है, बहुत हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत छोटा साइज है, बहुत सारी चीजें अलग है इनका। तो इसको बोला गया, एक नाम दिया गया एनोमेलस बिहेवियर, मतलब अलग बिहेवियर दिखाना, थोड़ा सा अपने ग्रुप से अलग।
भाई इसको एग्जांपल समझते हैं, आपके परिवार में सबसे शरारती कौन होता है, जो घर में सबसे छोटा होता है, देखो एक नलायक इधर बैठा है, तो वैसे ही है, पूरे घर में सबसे छोटा साइज में कौन है, यही लोग हैं, इससे याद रहेगा तुमको, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है बाकी लोगों से, घर में सभी लोग शांत स्वभाव के, झगड़ाला हो गया, घर में कोई गाली नहीं देता, वो गाली देता है सबको, गार देंगे बराबर, तो ऐसा हो सकता है, समझ में आ रहा है सबको, तो वैसा ही इससे आप एग्जांपल से रिलेट करके याद रखना। तो पीरियोडिक टेबल में इसी को बोला गया एनोमेलस बिहेवियर। अब सवाल है ऐसा क्यों है भाई, ये तो आप बोल दिए कि अलग है, हम समझ गए क्या अलग है और क्यों अलग है, तो क्यों का जवाब तुम्हारे पास है, सबसे पहला कारण साइज छोटा होना, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता नीचे वालों से बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। तुम अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताते, स्टार मार्किंग दिमाग में डालो, ये लोग डबल बॉन्ड बनाते हैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, फ्लोरीन तो नहीं बनाया क्योंकि उसकी बैलेंसी बने, बाकी ये नीचे वाले कोई डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, अरे ये क्या नाटक है, देखो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन फास्फोरस कभी नहीं बनाता जबकि उसकी बैलेंसी 3 है, वो तेरी कार्बन देखोगे तुम सिंगल डबल ट्रिपल सब बनाता है, सिलिकॉन नहीं बनाता कभी, वो तेरी जय हो, तो ये क्यों भाई, तो ये कहानी है, क्या कहानी है बच्चों, वही एनोमेलस बिहेवियर की, अलग बिहेवियर इनकी, ठीक है ओके। और भी बहुत सारी चीजें तुमको सुन के आश्चर्य लगेगा, इनका प्रॉपर्टी नीचे वालों से बिल्कुल अलग होता है। चलो तो ये आता है एनोमेलस बिहेवियर, कारण तीन कारण फिर से सुन ले, इनके कॉन्फिगरेशन में डी ब्लॉक नहीं आता है, तुम इनका कॉन्फिगरेशन लिखना, डी ब्लॉक नहीं आता है, एक बच्चा बोला इसमें भी नहीं आता, अरे यार आता है इसमें, कैसे 3s 3p, तो 3 में डी भी होता है, खाली है भरा है लेकिन है ना, इसमें 2 और 2 में खत्म हो जाता है, याद करो सेकंड है तो 2 में खत्म होता है, 2s 2p, डी नहीं आता ना, नहीं तो डी नहीं आना, छोटा साइज होना और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना, इस तीन वजह से इनका प्रॉपर्टी नीचे वालों से थोड़ा अलग है। नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप एक पढ़ाया जाएगा, ये क्या होता है, तो लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से कुछ मैच करता, नॉट पूरा, कुछ प्रॉपर्टी मैच करते हैं, बोरॉन का सिलिकॉन से मैच करता, देखो तुम ये जानते हो कि दोनों नॉन मेटल है, सॉरी मेटल वाइट, कार्बन का फास्फोरस से, नाइट्रोजन का सल्फर से, ऑक्सीजन का क्लोरीन से, फ्लोरीन कार्बन से नहीं भाई, नोबल गैस, तो ऐसे क्रॉस में कुछ प्रॉपर्टी मैच कर जाते थे, डायगोनल रिलेशनशिप उसको बोलते हैं। सवाल है क्यों, तो समझना ध्यान से, कोई भी प्रॉपर्टी इधर से इधर जाते समय क्या होती है, मान लो बढ़ी तो ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है, घटता है, थोड़ा मान में सोचो, यहां से यहां गए एक बढ़ा और यहां से यहां एक घटा, तो क्या ये दोनों सेम हो जाए सकता है क्या, फील करो मन में इसको, बिल्कुल जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो साइज इधर घटा, देखना मान लो साइज एक घटा 3 से 2 हो गया, अच्छा ऊपर से नीचे आने पे बढ़ा तो फिर ये 2 से 3 हो गया, तो ये दोनों सेम होने की पॉसिबिलिटी है ना, बट नॉट एवरी प्रॉपर्टीज, कुछ सम प्रॉपर्टीज, इसका नाम दिया डायगोनल, देखो ये डायगोनल में आया ऐसे, तो डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल बस सेकेंड और थर्ड में होता है, यहां मत लगा देना कि सोडियम कैल्सियम फिर कैल्सियम इट्रियम, गलत, बस सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही ऐसा देखा जाता है। तो तुम देखो एनोमेलस बिहेवियर किसमें, सेकंड में, और डायगोनल भी किसमें, सेकंड का ही है थर्ड के साथ, तो यहीं पर थोड़ा लफड़ा है, बाकी सब जगह नीचे थोड़ा ठीक ठाक। चलिए तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में कवर किया जाए, नेक्स्ट टुमारो विल बी योर द नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर और